नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक बार स्वागत कर रहा मैं अपने आपके YouTube चैनल जिसका नाम है रायगढ़ कर ईवी बाय कर। तो भाई लोग आज अपन आए हैं बिग बॉस के फिर से शोरूम में। आपने पहले वीडियो मैंने डाला था बिग बॉस का, उसके लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। तो एक बार फिर से इनका एक नया मॉडल आया है, तो उसका मैं आपको जो पूरा डिटेल में समझाऊँगा क्या क्या इसका जो है रेंज है, चार्जिंग टाइम वगैरह सब, बैटरी रेटिंग, मोटर वगैरह क्या है सब आपको बताऊंगा। तो हो सकता है आपको एक और जो ऑप्शन मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के वजह से। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, विलंब नहीं आरंभ कर दें। तो भाई लोग पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन के बारे में बात करता हूँ। पहले डिज़ाइन में काफ़ी यूनिक है, मैं आपको हर एक एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो डिज़ाइन में एकदम यूनिक है, किसी का कॉपी नहीं लग रहा, ना वेस्पा का कॉपी लग रहा है, ना मतलब नॉर्मल जो अपने मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स व्हीकल्स अवेलेबल है वो वेस्पा से इंस्पायर होते हैं, वेस्पा का कॉपी हो जाए, फिर यमा रे वाला जो मॉडल आता है उसका कॉपी होता है। तो यहाँ पर आपको आप एक बार देखने आओगे तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, और इसको और ज़्यादा यूनिक जो बनाता है इसका टायर साइज जो है 16 इंचेस का जो है टायर साइज है, ट्यूबलेस टायर्स आएगा जो कि आपको एक अच्छी खासी ग्रिप भी देगा, और अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी देख लीजिए, काफ़ी यूनिक बोलने से अच्छा काफ़ी बेहतरीन लग रही है ये अलॉय व्हील्स जो दिए है। मैं साइड से एक बार आपको क्या दिखा दे रहा हूँ, साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका जो लेंथ है 1300 to 1400 mm के आसपास रहेगा, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखिए 180 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, साइड से ऐसे लुक लग रहा है। आगे एक बार चलते फिर से एक बार, तो हेडलाइट का थ्रो ऐसा और हेडलाइट कुछ ऐसा हाउसिंग है, रेट्रो लुक में जो हेडलाइट का हाउसिंग दिया गया आपको, यहाँ पे आपको बिकॉस का जो है ब्रांडिंग दिख जाएगा। फिर यहाँ पे अच्छी और एक दूसरी डिज़ाइन की बात, और एक अच्छी बात जो है ये जो पूरा देख के मैं बताता हूँ, ये मेटल है मडगार्ड, ये मेटल है और ये मेटल है, ऑलमोस्ट 75% बॉडी जो मेटल की बनी है, तो एक अच्छी खासी बात है। और यहाँ पे आपको फाइबर मिल जाएगा जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में आ रहा है, आगे सामने वो भी काफ़ी प्यारा दिख रहा है, ये कलर पे सूट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में जो है ये फाइबर है, यहाँ पर फाइबर है, और इस प्रकार से वैसे से कुछ ऐसे लगेगा पाएंगे आपको। चलिए एक बार मैं चाबी और डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ आपको। चाबी कुछ इस प्रकार आएंगी, चाबी इसकी ये चाबी है, नॉर्मल चाबी है, इसको कोई सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं आता है, तो वो एक अच्छी बात भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि सेंटर लॉकिंग अगर वो चाबी गुम हो जाए तो स्टार्ट करने में गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। हाँ, लेकिन सेंटर लॉकिंग को भी मैनुअल की रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा तो आएंगे ना आपको, खराब वराब हो गया तो ये है। डिस्प्ले एक बार मैं चालू करके दिखा देता हूँ, तो डिस्प्ले कुछ इस प्रकार आएगा, ये जो है आपको बैटरी लेवल दिखा रहा, फिर आपको ओडोमीटर मिल जाएगा इसमें, और जो है ओडोमीटर और स्पीडोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे अभी न्यूट्रल पे खड़ा है बाइक, तो एन गियर पे है। फिर आपको एक अच्छी बात इस गाड़ी में जो लगी मेरे को, ये आपको डिस्प्ले पे ही दिखा दे रहा है कि रेंज कितना बचेला है बैटरी में, रेंज कितना आपका किलोमीटर जाएंगा, तो एक अच्छे उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो आपकी ट्रिप, है ना। और आपके वोल्टेज भी दिखा दे रहा है इसमें, आपको जो है दो मोड्स आएगा, एक आएगा इकोनॉमी मोड, एक आएगा स्पोर्ट्स मोड। इकोनॉमी में ये ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की स्पीड से भागती है, और स्पोर्ट्स मोड में 60-61 किलोमीटर की स्पीड से भागती है। ये जो बटन्स दिए इसका क्वालिटी भी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। यहाँ पे जो ऑन की इन बटन्स का भी क्वालिटी बहुत ही अच्छा दिया है आपको। इसमें जो है आगे ये जो स्पेस दिया है ये इतना अच्छा खासा डीप है, अच्छा खासा, तो आप मोबाइल वगैरह इसमें रख के आराम से चल सकते हो। और यहाँ पे आपको USB भी देखने को मिल जाएगा, तो आप ऑन द गो मोबाइल चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको इग्निशन डायल दिखाई देगा, इग्निशन डायल कुछ ऐसा लुक आएगा आपको डिस्प्ले का, दूर से या पास से। मैं आपको बैटरी कहाँ लगेगा, कैसे निकालने का है वो सब बता देता हूँ, बैटरी का रेटिंग भी बता देता हूँ। बैटरी को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे जो है डिक्की के बूट स्पेस में इसका बैटरी है, तो आपको जो है
ये खुल गया, एक क्लिक करना पड़ेगा तो ये सीट ऊपर हो जाएगा, लॉक अनलॉक हो जाएगा। फिर यहाँ पे बैटरी का रेटिंग आप देख सकते हो, 57.6 वोल्ट एट 55 एएच का बैटरी है। यहाँ पे आपको जो है ये रैक दिया हुआ है, चाहे तो आप ये रैक परमानेंटली निकाल सकते हो, अगर आपके पार्किंग में प्रोविजन नहीं है, पार्किंग का स्लॉट वगैरह नहीं है, तो आप ये हर रोज़ जो है बैटरी घर में लेके जाके चार्ज कर सकते हो, और नहीं तो आपके उधर स्लॉट है तो ये जो है हाउसिंग जो है आपको लगाना के रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे MVC वगैरह कोई आता नहीं है, तो आपको ये बटन बंद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या करना है कि जो है बैटरी निकालने के लिए ये आपको जो है घुमाना पड़ेगा, और ये ऐसे आप निकाल सकते हो, बस इतना सा ही प्रोसीजर लगाने के लिए। फिर से आपको जो है ये लग गया, कोई ऑन ऑफ का इधर टेंशन नहीं है, ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा होगा, बूट स्पेस आपको नहीं मिलेगा, वो जगह किधर स्मार्टली बनाई गई है इस गाड़ी में, जिसका नाम है D1 Pro बिग बॉस की तरफ से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार जो है बैटरी जो है लगेंगी, बैटरी जो है ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा चार्जिंग के लिए थे, एक बार चार्ज किया तो आपको 100 से 120 की रेंज देगी, और इस पर वारंटी आपको 3 साल का मिलेगा बैटरी पे, तो टेंशन नहीं है 3 साल तक। आप यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इनके सर्विस सेंटर में आके आप चेंज करवा सकते हो, बस फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए उसमें, बस यही है। तो ये था बूट स्पेस और बैटरी कहाँ पे है इसका, इसका एक्सेस कैसा है वो। फिर थोड़ा बात करते हैं स्पेस का यहाँ पे, और सॉरी एक और बात मैं बताना भूल गया, आप अगर आपको बाहर से एक्सटर्नली चार्ज करना तो यहाँ पे आपको जो सॉकेट मिल रहा है डायरेक्टली चार्जर लगा, बात खत्म। ये ऐसे लगता है, ये ऐसे खुलता, काफ़ी इसका भी क्वालिटी अच्छा है। यहाँ पे आपको ऐसा मैटिंग मिल जाएगा, अभी जो स्मार्टली जगह बनाया गया वो आपको दिखा दे, ये मैटिंग मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे जो है जगह क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो मैं बता दूँ ये आपको थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, ये जगह आपको मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान आ जाएंगे, एकदम ज़्यादा नहीं, मतलब हेलमेट वेलमेट नहीं भाई, थोड़ा बहुत सामान आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा जगह क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये मैट मैं लगा देता हूँ फिर से एक बार इसके ऊपर, ये मैट का भी क्वालिटी अच्छा है, तो आपको इसको मैटिंग आएंगे तो वो कवर उठने उठने का झंझट नहीं रहेगा आपको। और इसमें जो है एक एप्लीकेशन आता है जिससे आप बिग बॉस का एप्लीकेशन है ये, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दोगे तो उसमें आपको जियो फेंसिंग कर सकते हो, और आपका गाड़ी का लोकेशन एग्जैक्ट ट्रैक कर सकते हो GPS के थ्रू। इसके इसमें नेविगेशन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको जो है ऐप से आप जियो फेंसिंग कर सकते हो और जो है ट्रैक कर सकते हो। बात करते हैं साइड में, साइड की तो साइड में इसका जो है मॉडल का नाम D15 Pro बिगॉस वो दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपको स्विंग आर्म जो है ये भी फाइबर का ही है, यहाँ पे आपको सस्पेंशन स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाएगा डुअल, यहाँ पे उस साइड में भी है, इस साइड में भी है। यहाँ पे भी 16 इंच का टायर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मोटर दिखाएगा, मोटर का रेटिंग है 3.2 किलोवाट का, जो कि काफ़ी पावरफुल है, और ये बिगॉस का खुद का मोटर है, इसका भी वारंटी आपको 3 साल दिया जाएगा। पीछे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे ऐसा कुछ LED सेटअप मिल जाएगा, टेल लैम्प का LED सेटअप है, यहाँ पे आपको एरो शेप में जो है टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ऐसा है सब कुछ इस गाड़ी के बारे में। आपको यहाँ पे स्टैंड वगैरह मिल जाएंगे, तो ऐसी की ऐसी गाड़ी जो है आपको 1,19,000 में जो है ऑन रोड पूरे सब्सिडी हटाने के बाद, इस पर सब्सिडी मिलता है, सब्सिडी हटाने के बाद जो है 1,19,20 के आसपास जो है आपको ऑन रोड पूरे में गाड़ी मिल जाएंगी। और इनकी अच्छी बात है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो इनका पुणे में ही है। तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको क्या क्या मैंने बताया है। डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, अलग डिज़ाइन है, बैटरी और मोटर पे जो है 3-3 साल का वारंटी मिल जाएगा, ऑन रोड प्राइस जो है 1,20 के आसपास सब्सिडी डिडक्शन होने के बाद आपको मिल जाएगा एक ये सब अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताया। अभी थोड़ा बहुत मतलब डिसएडवांटेज मैं बताता हूँ क्या क्या मेरे को थोड़ी सी कमी लगी। एक रेंज और ज़्यादा बढ़ा देते, क्योंकि अभी देखिए उसका कॉम्पिटिटर जो मार्केट में अवेलेबल है वो 160-200 तक जा रहे हैं रेंज में, इवन 236 वाली भी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है आ रही है मार्केट में, तो बिग बॉस को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर, और थोड़े थोड़े हल्के हल्के पैनल गैप्स है तो उसके क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही बढ़िया ये गाड़ी मार्केट में कम्पीट कर पाएगी। इसको चलाने का तरीका पहले सबसे बता देता हूँ आपको, आपको जो है अपने चाबी चालू कर दी, यहाँ पे देखिए अभी ये जो है
एन पे है, आपको चालू करने के लिए बस एक बार जो है ये बस दबाना पड़ेगा तो ये आपको ड्राइव मोड पे आ जाएगा। एक तो इसका टायर साइज जो बड़ा है ना, उसके वजह से आपको जो है काफ़ी स्टेबल लगती है। जैसे मैंने गाड़ी उठाई थी, ज़्यादा बैलेंस गया नहीं इस गाड़ी का, तो वो बड़े टायर है 16 इंच के, इसके वजह से वो हो रहा है, और ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है टायर का। डिस्प्ले देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, अभी धूप है आप देख पा रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है देखने में, एकदम जो है सब विजिबल है आपको, बैटरी सब विजिबल। अभी बैटरी दिखा रहा है 75 किलोमीटर है, अभी जा सकती है, तो ये जो है बैटरी भी इंडिकेट करता है कितना बचा है किलोमीटर, तो वो एक अच्छी बात है। अभी ट्रैफिक में भी आपको रोकने निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हैंडलिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं स्पीड में गया नहीं हूँ, टॉप स्पीड में दिखा नहीं पाऊँगा सॉरी, क्योंकि जो है मैं सिटी में चला रहा हूँ उसको, तो टॉप स्पीड जो है आपको मैं बता नहीं पाऊँगा, कॉर्नरिंग करके दिखा सकता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत हाई स्पीड में। सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े से स्टीफ लग रहे हैं लेकिन काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी की जो सस्पेंशन आपको मिल जाता है। पिकअप काफ़ी अच्छा है, मतलब जो पहले विवर्स का गाड़ी चलाया था ना मैंने, उसमें क्या हो रहा था, जब मैं पिकअप ले रहा था ना तो थोड़ा अटक के चल रही थी, तो इसमें जो है अटकने की बात नहीं, एकदम मतलब अपने नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियाँ जैसी रहती है वो, जैसे पिकअप लेती है वैसे ही, कहीं पे भी आपको पावर लैग नहीं मिलता है उठाते टाइम, पावर कट नहीं मिलता, तो एक अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट किया है विवर्स ने इस एरिया में। विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप जो आईने हैं उससे भी ये काफ़ी ब्रॉड है, तो आपको पीछे का अच्छा खासा नज़ारा दिख जाता है, तो इसमें भी विजिबिलिटी का भी एज ऑफ कोई टेंशन नहीं है। और ये जो आपको बटन्स दिए गए हैं वो भी काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, एवरेज क्वालिटी के हैं, लेकिन जो है इनका रीच जो है अर्गोनॉमिक्स के लिए ये काफ़ी अच्छे हैं, तो इसमें भी कोई आपको दिक्कत एज ऑफ नहीं मिलती है। मैं आपको थोड़ा हाई स्पीड करके दिखाता हूँ, अगर मौका मिला तो किसी ट्रैफिक सिचुएशन में तो चला रहे हो, अभी देखा इमरजेंसी सिचुएशन था तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, कॉम्बी ब्रेकिंग होने के इसका जो कॉम्बी ब्रेकिंग है इसके वजह से क्या हो रहा है, आप पीछे का ब्रेक दबा रहे हो ना तो आगे का ब्रेक जो है हल्का सा दब रहा है, तो उसकी वजह से आपका बाइक जो है स्किड नहीं होता है, ABS नहीं बोलते इसको, कॉम्बी ब्रेकिंग बोलते हैं। काफ़ी बढ़िया चल रही है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का मेरे को। थोड़ा सा हाई स्पीड करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कंट्रोल हो पाती है, एकदम स्मूथ चल रही है, मतलब पहले जो बिग बॉस की गाड़ी चलाई थी थोड़ा वो मतलब पावर लैग वगैरह मार रही थी, लेकिन ये पावर लैग वगैरह कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा मेरे को, काफ़ी अच्छे से चल रही है। हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है इसका, मतलब टायर साइज जो ज़्यादा दिया है बड़ा दिया है, नॉर्मली 12 इंच का आता है स्कूटर्स में, 16 इंच का दिया, तो इस वजह से ग्रिप काफ़ी अच्छी बन रही है, एक नंबर चला रहा है मेरा करियर। कॉर्नरिंग भी काफ़ी स्टेबल है बड़े टायरों के वजह से, ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को, सस्पेंशन एक बार आप टेस्ट ड्राइव करना, आपके हिसाब से आपको पता चल जाएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। टॉप स्पीड नहीं करके दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं सिटी में चला रहा हूँ, तो टॉप स्पीड के लिए मेरे को मोकड़ा रास्ता लगेगा, जो कि अब भी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। काफ़ी अच्छी लगी चलाना, ये इतना स्टेबिलिटी और काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसका टायर साइज ज़्यादा बड़ा है इसके वजह से ऐसा लग रहा है, एक ही कारण हो सकता है, बाकी थोड़ा जो है मोटर वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट किया है बिगॉस में, तो उसके वजह से भी काफ़ी जो इसका हैंडलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया। मस्त लगी चलाने। तो भाई लोग कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 10,000 का टारगेट रखते हैं, अगले 2 महीने में कंप्लीट करवा दो यार 10,000, इतनी मेहनत करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ रह गया होगा तो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, D15 Pro बिग बॉस की तरफ से थैंक यू वेरी मच।